नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। निर्भया मामले में 22 जनवरी को दिल्ली के तिहाड़ में होने वाली फांसी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि दोषियों की दया याचिका विचाराधीन है, ऐसे में 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी नहीं होगी। आपको बता दें कि मुकेश सिंह की डेथ वारंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 72वें सेना दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसकी सलामी पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ली। इस अवसर पर शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले जवानों को मेडल से नवाजा गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड का निरीक्षण भी किया। सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सेना माँ भारती की आन बान और शान है। सेना दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को सलाम करता हूँ। इससे पहले आज सुबह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिलेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहा कि सेना आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना के पास कई विकल्प हैं। इसके साथ ही उन्होंने सेना के भविष्य के प्लान भी साझा किए। श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियों ने डीएसपी देवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के घर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में सेना की 15वीं कोर का पूरा नक्शा, 7.5 लाख रुपए और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का शक है कि देवेंद्र सिंह ने अपने रिश्तेदारों के घर में पैसा छुपा कर रखा है। छापेमारी के दौरान पूरे इलाके का जायजा लेने के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। आज सेना दिवस है और हर कोई सेना के जवानों को सलाम कर रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि सेना सिर्फ दुश्मनों को मारने के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों की मदद के लिए भी हर पल तैयार रहती है। जम्मू कश्मीर में 100 सेना के जवानों ने 4 घंटे तक पैदल बर्फ में चलकर एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर उसकी डिलीवरी हुई। भारतीय सेना की चिनार कॉपर्स की ओर से आज बताया गया है कि घाटी में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कमर तक बर्फ गिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और सेना के जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने शमीमा और उनके बच्चे की अच्छी सेहत की भी कामना की। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती का आज 64वां जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी राज में अर्थव्यवस्था बीमार है और 130 करोड़ लोगों के ऊपर रोजाना रोजी रोटी का संकट है। बीजेपी निजी स्वार्थों की वजह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र की नीतियां पूरी तरह से गलत हैं और इस वजह से देश में इस वक्त गरीबी, अशिक्षा और तनाव का माहौल है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि गरीब, आदिवासी, मुस्लिम और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक की सरकार में ज्यादा परेशान है। बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह जनहित के मुद्दों को ताक पर रख दिया है। पूरे देश में अराजकता और तनाव का माहौल है। मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश तनाव के माहौल में है। मायावती ने कहा कि बीजेपी की इन्हीं कमियों की वजह से कांग्रेस एंड कंपनी इसका फायदा उठा रही है। बीएसपी इन हालातों को लेकर काफी चिंतित है। देश में आज महासंक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सूर्य की आराधना कर रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति की काफी मान्यता है, जिसमें दान पुण्य किया जाता है और देवताओं को याद किया जाता है। आज सुबह देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस कल भारत दौरे पर पहुंचे हैं। भारत आने के तत्काल बाद उन्होंने दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी मेमोरियल का दौरा किया और बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, थोड़ी देर पहले ही भारत पहुंचा हूं, उस व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जिसने वास्तव में दुनिया बदल दी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया।